हेलो दोस्तों, बाउल में डालेंगे ये मक्के का आटा। मक्के का आटा इन दिनों में ज़रूर खाना चाहिए। मक्के का आटा, बाजरे और ज्वार का आटा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। और मोटे अनाज की चीज़ें हमें बना के ज़रूर खानी चाहिए। तो इसमें मैंने मक्के का आटा डालना है, सूजी डाले 2-3 चम्मच। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी दही। ये घर की बनी हुई दही है जिसको मैंने हल्का सा फेंट लिया है। फेंटने के बाद ये दही मैंने इसमें डाली है। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मैं डालूंगी पिसा हुआ ये पालक का पेस्ट। सिर्फ पालक का पेस्ट है इसमें, और कोई चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं। और इसमें आप थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और जीरे के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, डालेंगे स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, यानी इसमें हम थोड़ा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया मैंने मोटा मोटा लिया है, और ये देखें, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी बहुत जो कमी होगी, वो हम जो मिक्सर जार में हमने पालक पीसा था उसी में थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक घोल बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब ये इसमें घोल बना के हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद बनाएंगे हम इसके पराठे, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल इसमें कोई भी लंग्स नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद इसको हम रख देंगे। रखने के बाद दोस्तों, मैंने इसमें 10 मिनट के बाद इसमें डाला बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, और बनाएंगे इसको हम लोहे के तवे पे, नॉन स्टिक नहीं लेंगे, लोहे के तवे पे इसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम रोटी और वैसे पराठे बनाते हैं। तो ये लिक्विड अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा चिकना और अच्छा सा ये लिक्विड बन गया है। आपने इसी प्रकार रखना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसके बाद धीरे धीरे करके हम इसको तवा गरम करेंगे, उस पर डाल लेंगे हल्का सा तेल। और उसके बाद इसको हम अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद साइडों में तेल लगाएंगे, इसको अच्छे से पलट देंगे। और ये बन के तैयार हो गया है पराठा। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। और दो तीन पराठे मैं बना के रेडी करूँगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जिन बच्चों को कुकिंग नहीं आती है, वो इस प्रकार ये कुकिंग सीख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हल्के फुल्के ये पराठे बन के रेडी हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं, देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। तो आप भी इसी प्रकार बना के खा सकते हैं कभी भी अपना पालक भरे हुए ये पराठे। तो अपना ध्यान रखिए, वीडियोस को ऐसे देखते रहें। धन्यवाद। चटनी आप कोई भी बना के खा सकते हैं। धन्यवाद।